गणेशोत्सव तक हो गए मुंबई में झमाझम बारिश, मुंबई थाने और पालघर में येलो अलर्ट जारी। अमित शाह लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे, सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। मुंबई में गणेश उत्सव के दूसरे दिन 62,000 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। गणेशोत्सव के दौरान मुंबई लोकल यातायात बाधित, सेंट्रल और वेस्टर्न रूट पर लोकल ट्रेनें करीब 10 से 15 मिनट देरी से चल रही हैं। गणेशोत्सव के समय हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे, धनिया 80 रुपए तो वही मेथी 40 रुपए किलो पहुंचे। लालबाग के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़, घंटों तक लाइन में खड़े होने से हुए परेशान। मुंबई में 2030 घरों की म्हाड़ा लॉटरी 2024 अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में निकलेगी, डिपॉजिट करते ही तुरंत मिलेगा पोजीशन। संजय राउत का शिवसेना पर बड़ा आरोप, छोड़कर गए विधायकों को बताया ढोंगी, कहा इनको बुर्का पहन के निकलना चाहिए वरना जूते मारेंगे लोग। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस मार्ग पर सफर करने वालों को बड़ी राहत, नवंबर तक तैयार हो जाएगा जयपुर बाईपास, जाम से मिलेगी राहत और एक घंटे में होगा समय का बचत। टायर फटने से पुणे जा रही बस 25 फीट नीचे जा गिरी, 10 से 11 यात्री गंभीर रूप से घायल। नागपुर को 15 सितंबर को मिलेगी तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस, 19 सितंबर से ट्रेन नियमित रूप से चलाई जाएगी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए अमित शाह ने कसी कमर, शिंदे, फडणवीस और अजित पवार के साथ की अहम बैठक। रेलवे ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का इस्तीफा स्वीकार किया। संजय राउत ने अजित पवार पर किया हमला, कहा अब पूछताछ करने वाले बारामती नहीं जीत पाएंगे। मुंबई से गोरखपुर जा रहे एक्सप्रेस जनरल डिब्बे में एक महिला ने बच्चे को दिया जन्म। पुणे में नशे में धुत टेम्पो चालक ने 5 वाहनों को टक्कर मारी, हादसे में एक महिला की मौत। नागपुर में ट्रक चालक ने पिता को कुचला, 2 बच्चे भी बुरी तरीके से जख्मी। मुंबई में सोने चांदी के दामों में उछाल, सोना 72,870, वहीं चांदी 85,000 पहुंचा।